क्वेश्चन नंबर 7, ढूंढते रह जाओगे। वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य आगे के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 तक देखा था। आज हम प्रश्न 7 से प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 7 पेज नंबर 38 पर आपको वर्कबुक ओपन करनी है। पेज नंबर 38 पर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों पर आधारित पहेलियां बनाइए। अब आपको शब्द दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको पहेलियां बनानी है। पहला शब्द है कमल, तो उसकी पहेली आपको बनानी है। प्रश्न नंबर 6 में आपको आपने जिस प्रकार से पहेलियां पूर्ण की थी उसी प्रकार से आपको इसमें भी बनानी है कि जैसे ये कमल शब्द है तो उसकी पहेली इस प्रकार से होगी कि तीन अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं, और उत्तर आएगा उसका कमल। उसी प्रकार से दूसरी है समय, तो इसकी पहेली बनानी है आपको कि तीन अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाऊं, उसका उत्तर आएगा समय। इसी प्रकार से आपको शब्द दीपक और पहेली पर से पहेली ऐसे बनानी है। पेज नंबर 39 प्रश्न नंबर 8, और एक पहेली मुझे पहचानी है। यहाँ पर भी आपको एक पहेली दी गई है और आपको पहचानना है कि मैं पांच अक्षर का गांव या शहर का नाम हूँ और मैं एक देशभक्त का वतन हूँ। इसी में आपको नीचे सूचित शब्द दिया है कि करमसद, तो वह गांव का नाम है करमसद। अब ये करमसद है वो कौन से देशभक्त का वतन था, तो वल्लभ भाई पटेल का। तीसरा इसमें है कि मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है, यानी कि कर्म। तो इसी प्रकार से आपको ये करमसद के शब्द के ऊपर से ये पूरी पहेलियाँ बुझानी है। प्रश्न नंबर 9, रेखांकित शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसके बहुवचन में परिवर्तन करना है और वाक्य फिर से लिखना है। पहला दिया गया है वाक्य कि लड़का पानी पीता है। अब इसका बहुवचन, रेखांकित जो शब्द है लड़का, उसका बहुवचन होगा लड़के, तो पूरा वाक्य बनेगा कि लड़के पानी पीते हैं। पहले वाक्य में थे लड़का पानी पीता है और बहुवचन हो जाएगा वाक्य का, तो लड़का शब्द का होगा लड़के और पीता का होगा पीते, यानी कि लड़के पानी पीते हैं। दूसरा वाक्य है किताब सुंदर है, रेखांकित शब्द है किताब, तो उसका बहुवचन होगा किताबें, किताबें। पूरा वाक्य इस प्रकार से होगा कि किताबें सुंदर हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अर्थ अनुसार प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग वाक्य बनाइए। पहला शब्द है बस, अब इस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होंगे। बस का एक अर्थ होगा कि जिसमें हम मुसाफरी करते हैं प्रवास करने के लिए जो साधन होता है,
वह बस, और दूसरा उसका अर्थ होगा कि किसी से हम कुछ बातें करते हो कि बस बस अब रहने दीजिए, तो उस अर्थ में बस का यह अर्थ होगा। तो इस पर से आपको वाक्य बनाने हैं उसके दो, कि पहला वाक्य होगा कि लोग बस में प्रवास करते हैं, और दूसरा उसका वाक्य बनेगा वही बस शब्द पर से कि बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा। तो इस प्रकार से आपको एक ही शब्द के दो अलग अर्थ हैं और उस पर से आपको उसके वाक्य बनाने हैं। दूसरा शब्द है सोना। तो हमने पहेलिया में भी देखा था कि एक ही शब्द में विशिष्ट कैसे प्रयोग हुआ है। सोना जो शब्द है, एक तो जो आभूषण होता है और दूसरा सोना यानी कि नींद करना। तो इस पर से आपको वाक्य बनाना है कि पहरेदार के लिए सोना मना है, यानी कि नींद करना मना है। और दूसरा वाक्य कि आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के शब्दों के भिन्न अर्थ में वाक्य बनाने हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित रोगों के गुजराती नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं। अब इसके गुजराती नाम आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 पर दर्द के नाम यही सारे दिए गए हैं, तो आपको वही पढ़ना है और समझना है और वर्कबुक में वो लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये स्वाध्याय कार्य पूर्ण होता है। आपको आपके वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य पूर्ण करना है। प्रवृत्तियाँ, पहली प्रवृत्ति है कि अन्य किन्हीं तीन पहेलियाँ अपनी कक्षा में सुनाइए और स्पष्ट कीजिए, और दूसरी है कि निम्नलिखित पहेलियों को बूझिए। अब पहेलियाँ यहाँ पे आपको दी गई है, अब इसे आपको बूझना है और यहाँ पे लिखना भी है। तो इस प्रकार से आपको यह स्वाध्याय कार्य पूर्ण करना है।